एक बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से। बीएचयू के कुलपति अपनी टीम के साथ एक महिला कॉलेज में इफ्तार पार्टी में शरीक हुए और अब इसको लेकर बीएचयू के छात्रों ने हंगामा कर दिया है। गुस्साए छात्रों ने कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन का पुतला फूंका है। कुलपति आवास के सामने छात्र भारी संख्या में जुटे और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों से छात्रों की झड़प भी हुई। छात्रों का आरोप है कि आज तक बीएचयू में कभी इफ्तार पार्टी नहीं हुई, तो आज आखिर क्यों बीएचयू के एक महिला महाविद्यालय के ज्योति कुंज छात्रावास में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था और इसमें प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जो कि कुलपति हैं बीएचयू के, वो इसमें शरीक हुए थे और इसके बाद इसका विरोध करने के लिए छात्रों ने कुलपति आवास के बाहर प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी कैंपस में कुलपति का पुतला भी फूंका गया। ये दो तस्वीरें हैं, एक तरफ इफ्तार पार्टी के अंदर बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन के शामिल होने की तस्वीर, इफ्तार पार्टी की ये तस्वीर है जो कि एक महिला महाविद्यालय जो बीएचयू का है उसमें शरीक हुए थे। शाम को ये पार्टी हुई थी, ये इफ्तार पार्टी थी और वहीं बीएचयू कुलपति के शामिल होने का विरोध कर रहे हैं छात्र। विश्वविद्यालय में पिछले 5 वर्षों से मैं यहीं हूँ, कभी इफ्तार के आयोजन नहीं किया गया। आज विश्वविद्यालय द्वारा बाकायदा जो है पीआरओ द्वारा जो है प्रेस रिलीज जारी की गई, प्रेस आमंत्रण जारी किया गया, पत्रकारों को बुलाकर इफ्तार पार्टी का आयोजन विश्वविद्यालय में पहली बार मेरी जानकारी के अनुसार हुआ है और इसे परंपरा बताते हुए किया गया कि हर साल ऐसा होता है, जबकि विश्वविद्यालय में ऐसा कभी नहीं होता। ये बहुत कुत्सित प्रयास है विश्वविद्यालय प्रशासन का कि इसको जो है एक गलत रंग देकर मजहबी रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत गंदा प्रयास है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा, यह तुष्टिकरण की कार्रवाई है। और इस विवाद पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर। रणवीर, जिस तरीके से ये विवाद खड़ा हो रहा है बीएचयू से, इसे एकता की पहल माना जाए या एक सियासी विवाद, क्योंकि परंपरा का की दुहाई दे रहे हैं छात्र कि इससे पहले कभी इफ्तार पार्टी विश्वविद्यालय में नहीं हुई। देखिए, इसको किसी भी तरीके से देखा जा सकता है क्योंकि बीएचयू जिस तरीके का मिजाज उस यूनिवर्सिटी का है, विवाद भी कई बार होते रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि अगर वीसी को इफ्तार पार्टी करनी है तो वो एएमयू चले जाएं, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो कहीं ना कहीं तुष्टिकरण का आरोप छात्र वीसी पर लगा रहे हैं और ये जब गिरीश चंद्र त्रिपाठी प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जिसको कहते थे वीसी थे, तो उन्होंने फलाहार का कार्यक्रम शुरू किया था। तो इन छात्रों का कहना है कि फलाहार के बाद अब इफ्तार पार्टी शुरू हो रही है, तो ये तुष्टिकरण की कोशिश है। और आप देखिए कि टाइमिंग ऐसी है कि एक तरफ अजान और आरती को लेकर के विवाद चल रहा है और इसी बीच में इफ्तार पार्टी का आयोजन बीएचयू के अंदर होता है। छात्रों का ये भी आरोप है कि जो कुलपति हैं उन्होंने जानबूझकर महिला विद्यालय जो है वहाँ पर ये इफ्तार पार्टी रखी ताकि छात्र अंदर ना जा सके, विरोध ना कर सके। ऐसे में कुलपति आवास के बाहर छात्र पहुँचते हैं, पुतला दहन करते हैं और विरोध जताते हैं और ये कहते हैं कि ये बीएचयू के इतिहास में नहीं हुआ, इसलिए ऐसा तुष्टिकरण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो जो माहौल अभी फिलहाल चल रहा है देश में, लाउड स्पीकर्स हटाए जा रहे हैं, कई जगहों पर विवाद की स्थिति है, उस बीच में बीएचयू में इफ्तार पार्टी छात्रों को अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि इसको कहा जा सकता है कि ये पहल है एक एकता की और एक भाईचारे की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल माहौल है उस माहौल के बीच में कुलपति का ये फैसला छात्रों को रास नहीं आ रहा और इसी वजह से ये एक छोटी सी इफ्तार पार्टी एक बड़ा विवाद बन चुकी है। जी रणवीर, क्या विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से छात्रों से बात की गई है, उन्हें समझाने की कोई कोशिश की गई है ताकि ये विवाद की आँच और न भड़के? देखिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कल भी कोशिश की थी, लेकिन चूंकि मामला बढ़ चुका था, पुलिस प्रशासन को बुलाना पड़ा, पुतला दहन हुआ और इस बीच में कुलपति से लोग बात करने को तैयार नहीं है। फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि छात्रों को समझाया जाए, लेकिन छात्रों का एक ऐसा गुट है जो कि इस पूरे मामले पे अपना पक्ष इस तरीके से रख रहा है कि छात्र ये परंपरा बंद करें और जो कल इफ्तार पार्टी हुई है ये इफ्तार पार्टी कोई परंपरा ना बन जाए बीएचयू में। इसी वजह से इस मामले को फिलहाल कोशिश की जा रही है कि ये मामला यहीं पे कुलपति की माफी या अपॉलॉजी के साथ खत्म हो जाए। जी बिल्कुल रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ABP News आपको रखे आगे।